हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या है होप एकदम मजे में होगे। तो अभी आप लोग सोच रहे होगे मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ अपनी कार के अंदर है, और अब आपको बताता हूँ कहाँ हम लोग जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं अमेजोन फ्रेश पे। अमेजोन के स्टोर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर है, बेसिकली किराना स्टोर आप बोल सकते हो, जहाँ से आपको डेली नीड्स का जो सामान होता है वो मिलता है। बट यहाँ पे खास क्या है, यहाँ पे जो आपकी शॉपिंग कार्ड्स हैं उनके अंदर ही स्कैनर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है। जैसे ही आप प्रोडक्ट को कार्ड के अंदर डालोगे, ऑटोमेटिकली जो भी उसका प्राइस होगा वो डिटेक्ट कर लेगा। किस तरीके से पेमेंट होती है, क्या होता है, मुझे भी नहीं पता। बिल्कुल नए स्टोर खुले हैं, बिल्कुल नहीं तो नहीं, 2-3 महीने हो गए हैं, बट मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था। मैंने इंटरनेट पे वीडियो देखी तो मैंने सोचा जाके देखते हैं कैसा रहता है यहाँ पे एक्सपीरियंस। और अभी हम लोग से थोड़ी ही दूर है, 2 ही स्टोर है पूरे LA के अंदर, और अभी US के अंदर नए खुलने स्टार्ट हुए हैं ये वाले जो स्टोर है, बट फ्यूचर में ऐसी ही शॉपिंग कार्ड्स हमें दिखेंगी। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई थिंक जो लोग भी नई टेक्नोलॉजी की खोज में रहते हैं, नई नई चीजें देखना चाहते हैं, उनके लिए ये जगह काफी इंटरेस्टिंग होगी। तो अब बहुत हो गई बातें, सीधा चलते हैं अमेज़न फ्रेश। तो अभी पार्किंग में आ गया, पार्किंग पूरी खाली पड़ी है। ये है हमारी कार, और यहाँ पे जितनी भी पार्किंग है आज के टाइम में, अगर मैं कैलिफोर्निया की बात करूँ, बाकी स्टेट्स का मुझे नहीं पता, तो आपको इलेक्ट्रिक चार्जर्स जो है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, टेस्ला आप देख सकते हो, मिल जाएंगे। तो जब भी आप कहीं जाते हो इस तरीके से आप अपनी कार्स को चार्ज पे लगा सकते हो। तो आप अंदर शॉपिंग कर रहे होगे, आपकी कार जो है वो चार्ज होती रहेगी। और जो आप देख रहे हो ये रेगुलर कार्ड्स हैं, बट हमें ये वाली कार्ड नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्पेशल वाली। तो बेसिकली जब आप यहाँ पे आओगे, आपको आपके फ़ोन के अंदर जो अमेज़न की ऐप है उसमें लॉगिन करना है। उसके बाद जो आपका स्कैन कोड है, जो आपको कार्ड वाले सेक्शन में मिलेगा, जो आपका QR कोड होगा, यहाँ पे आपको स्कैन करना है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बड़ी सी स्क्रीन है, जितना भी हमारा सब टोटल होगा वो यहाँ पे होगा। और कार्ड की अगर बात करूँ तो कार्ड में आपको लाइट्स दिख रही हैं, ये जो लाइट्स हैं, और यहाँ पे आपको कैमराज दिख रहे होंगे, 1 कैमरा 2, एक इस साइड पे कैमरा है और एक कैमरा है इधर पे। तो जैसे आप कोई भी चीज़ यहाँ रखोगे, जो भी चीज़ होगी उसकी पूरी डिटेल आपको इस स्क्रीन के अंदर दिख जाएगी। और जब भी हम यहाँ से निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी आपने लिया होगा वो आपके अमेज़न कार्ड के, जो भी आपने अमेज़न में कार्ड लगाया होगा वहाँ पे चले जाएगा। तो यहाँ पे आपको पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप अमेज़न बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, और यही फ्यूचर होने वाला है। तो अब ट्राई करते हैं कुछ चीज़ें। तो 4 कैमरास हैं इस कार्ड में, स्कैनर लगे हुए हैं, ये जो व्हाइट कलर के आप देख रहे हो ये स्कैनर्स हैं। और जब यहाँ पे ग्रीन लाइट हो जाएगी, ये जो व्हाइट लाइट है जब ये ग्रीन होगी, तो मतलब आप जा सकते हो, आपकी परचेज जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। तो अब शॉपिंग एक्सपीरियंस जो उसको कंटिन्यू करते हैं। पहले तो वाटर बॉटल जो है वो ले लेते हैं, स्टूडियो पीछे होगा, पानी पीछे। एक चीज और, ये जो कार्ड है बहुत ही स्मूथ है इसको चलाना। यूजुअली जो कार्ड्स होती है उनको ढकेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको चलाना बहुत ईजी है। और स्टोर जो है बहुत ही साफ सुथरा है। तो ये मिल गई पानी की बॉटल्स, घुमा दे सर जरा। कितनी ले लें यार? ये ले लेते हैं, ये वाला ठीक है, ये ठीक है। अब इसको इसके अंदर रखना कैसे है? इसके नीचे रखना होगा शायद, नीचे जगह नहीं है। नहीं मतलब पहले अंदर डाल दो। तो आ गया यहाँ पे, चलो देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही मैंने पानी रखा इसके अंदर, कैमरास ने डिटेक्ट कर लिया और यहाँ पे आ गया है। $4.11 है प्राइस, सब टोटल अभी ये है। पानी हो गया है और हमें क्या लेना था, ये है मल्टी ग्रेन ब्रेड्स। और यहाँ पे रख यार एक बार, अभी हम लोग जो है ब्रेड्स में ऐड करने लगा हूँ, एक ब्रेड दूसरा ब्रेड। तो अभी आप लोग देख सकते हो 2 हो चुके हैं क्वांटिटी, सब टोटल जो है वो जा चुका है $9 पे। तो जो भी चीज़ आप लोग लोगे, जैसे ही आप कार्ड के अंदर डालोगे वो उसी टाइम ऐड हो जाती है। तो इंटरेस्टिंग बट इस कार्ड के अंदर उतनी ज़्यादा जगह नहीं है अगर आपको बहुत ज़्यादा सामान लेना है। तो अब और देख लेते हैं क्या क्या हमें चाहिए। ब्रेड हो गए, हमें चाहिए एग्स। तो ये है अमेज़न का अपना ब्रांड 365, अब इसको भी डाल देते हैं। जैसे मैंने एग्स डाले वो भी यहाँ पे आ गए, सब टोटल जा चुका है $12 पे। और अब चलते हैं कुछ और सामान पिक कर। तो मिल गया फाइनली हमें वॉलनट्स भी, तो इसके अंदर ही डाल देते हैं। तो वॉलनट्स हमने डाले, वॉलनट्स भी आ चुके हैं, और $25 पे पहुंच चुका है हमारा अमाउंट। और अब हम चलते हैं। तो चेकआउट के लिए मुझे किसी को भी पे नहीं करना है, जो मेरी अमेज़न ऐप है उसमें ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, मेरा जो अमेज़न का क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर अमाउंट चले जाएगा। बेसिकली हमें यहाँ से निकलना है। तो जैसे ही हम निकले हमारा जो फाइनल अमाउंट है वो डन हो चुका है, ऑलमोस्ट $27 बिल बना है। तो अब बस जो कार्ड है हमें रिटर्न कर देनी है और सारी चीज़ें डन है। तो मुझे पता नहीं था, तो ये जो टेबल है, टेबल के ऊपर हमें पहले सारा सामान जो है वो सेट कर लेना है, अपने बैग के अंदर डाल लेते हैं जो भी हमें चाहिए। तो ये था एक्सपीरियंस, और अब कार्ड हमसे इन्होंने छीन लिया क्योंकि कार्ड को फ्लोर से नीचे ये लोग जाने नहीं देते हैं। तो अभी हमारे पास बैग्स हैं, बिलाल भाई ने पानी पकड़ा हुआ है,
और हम लोग अब जा रहे हैं पार्किंग में, तो सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया, बैग्स रख दें, फिर बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। तो फाइनली आ गए हैं स्टूडियो में और अपना मैं कैमरा थोड़ा सा सेट कर लूँ। तो ये थी वीडियो Amazon Fresh के ऊपर, जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा। स्टोर नॉर्मल ही है बट वहाँ पे जो नई चीज़ है वो है डैश कार्ड्स, जहाँ पे आपने देखा स्क्रीन भी है, आपको कोई भी वहाँ पे लाइंस में लगने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई थिंक जो फ्यूचर है, फ्यूचर में ऐसी ही कार्ड्स मिलेंगी, क्योंकि हम सबको एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा बुरी लगती है वो है वेट करना सुपरमार्केट्स के अंदर अपना बिल करवाने के लिए। तो अब वो जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। और अगर मैं अपनी Amazon ऐप आपको दिखाऊं तो ये है ऑर्डर डिटेल्स, जो भी हमने लिया, तो 5 आइटम्स हमने लिए थे। आइटम्स की लिस्ट अब यहाँ पे आ गई है, कितना कितना प्राइस है वो सारी चीज़ें लिख के आ रही हैं। उसके बाद टोटल कितना बना, $26.58। उसके बाद मेरा ऑर्डर नंबर है, स्टोर का एड्रेस है, जो कि मैंने नॉर्थ हॉलीवुड वाले स्टोर से लिया था। तो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा पूरी चीज़ का वो बहुत ही मस्त था। एंड आई थिंक फ्यूचर में ऐसे ही स्टोर होने वाले हैं, और अमेज़ॉन ने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो बंद करवा दी हैं। अब शायद सुपरमार्केट जो है वो नेक्स्ट है अमेज़न के टारगेट पे। अब ये तो थी मेरी वीडियो, अब आप मुझे अपने थॉट्स बताओ, अच्छे बुरे जो भी हैं आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी ये वीडियो। और इसके बाद जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, बिजनेस क्लास वाली जो वीडियो है, ट्रेन वीडियो, वो आ जाएगी। इसके बाद जो वीडियो होगी वो बिजनेस क्लास ट्रेन राइड की ही होगी, और मैं उसी में आपको बताऊंगा कि वो वीडियो मैंने लेट क्यों की है। और अब इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूँ ख़त्म, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।